नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को प्रदेश में अलग से अगले 10 दिन में 9 नई कोरोना टेस्टिंग लैब खोलने तथा लॉकडाउन 3 में लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने का विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए। इसके अलावा यातायात चौराहों, स्थानीय शहरी स्थानीय निकाय विभाग के वाहनों तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रचार वाहनों में भी मास्क पहनने और गमछा मुंह पर ढकने के लिए प्रचार प्रसार करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने आज COVID-19 की स्थिति पर गठित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को आज राज्य के COVID-19 की स्थिति पर गठित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को भी निर्देश जारी किए हैं कि गमछा और मास्क पहनने से व्यक्तियों पर सख्ती बरतें तथा मौके पर ही चालान काटते समय उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5-5 मास्क वितरित करें। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर मास्क नहीं पहनता है तो उसे यह संदेश भी दिया जाए कि भविष्य में भी किसी प्रकार का चालान की राशि 500 रुपये से बढ़ा करके 1000 रुपये कर दी जाएगी। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व रेवाड़ी जिलों को छोड़कर के अन्य जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री ने वही निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को कि प्रत्येक जिले में कम से कम 1 कोरोना टेस्टिंग लैब खोली जानी चाहिए। यहाँ पर एंटीजन टेस्टिंग की बजाय RT-PCR प्रणाली से टेस्टिंग की सुविधा हो। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि 4 जिलों में सरकारी अस्पतालों और 5 मेडिकल कॉलेज में 1-1 नई लैब गठित करने तथा अगले 10 दिन में ये खोली जानी चाहिए। वर्तमान में प्रतिदिन 9500 टेस्टिंग किए जा रहे हैं और नई लैब्स खुलते ही ये संख्या 20,000 तक हो जाएगी। इसी प्रकार आइसोलेट बेड की संख्या लगभग 10,630 है। ICU बेड्स की संख्या 12,840 है। कुल बेड्स 52,000 हैं तथा 426 क्वारंटाइन केंद्र हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मरीजों को कोरोना के बाद या तो पॉजिटिव आने के बाद ठीक होने के उपरांत पुनः दोबारा टेस्टिंग के लिए आना होता है तथा उनके घर जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाए। इसके अलावा पंचकुला, रोहतक, गुरुग्राम में प्लाज्मा बैंक भी खोले जा रहे हैं। लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इसी प्रकार आयुष विभाग द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किट्स भी बांटी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिक से अधिक रोग प्रतिरोधक किट्स आयुष विभाग द्वारा भेजी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि रक्षाबंधन व ईद के त्योहारों को देखते हुए बसों में यात्रियों की संख्या पहले की तरह ही 35 रहनी चाहिए। लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान पहले जिस प्रकार सादगी से त्यौहार मनाए हैं उसी प्रकार रक्षाबंधन व अन्य त्यौहार भी मनाएं। भाई बहन अपना संदेश मोबाइल व ई राखी के माध्यम से भेजें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक्वेट हॉल आदि में शादी समारोह में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार 1 से 50 अधिक से अधिक संख्या होनी चाहिए। इस पर पुलिस विभाग व शहरी स्थानीय निकाय विभाग में विशेष नज़र रखनी चाहिए और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि समारोह के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंक्वेट हॉल के मालिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाए। आप देख रहे हैं पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट।